भिवाड़ी पुलिस ने कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में 21 सितंबर को हुई उद्योगपति अमित जैन के साथ 29 लाख की डकैती के मामले में अंतर्राज्य सूर्या गैंग के सदस्यों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की राशि से खरीदी हुई कार व 2 देशी कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े सूर्या गैंग के बदमाश की दीपावली के आसपास अलवर, भिवाड़ी, धारूएड़ा व टपुकड़ा में डकैती की 6 बड़ी वारदातों को अंजाम देने की योजना थी। भिवाड़ी SP राममूर्ति जोशी ने बताया कि इसके लिए एक विशेष दल का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने वारदात स्थल पर आने जाने वाले रास्तों पर लगे CCTV व घटना स्थल के आसपास लगे व आरोपितों के संभावित मार्ग के CCTV फुटेज खंगाले। इस दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर खुशकेड़ा के न्यू इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेइंग गेस्ट हाउस के संचालक व उसमें काम करने वाले कर्मचारियों से गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि टपुकड़ा के नीरज जोशी ने गत 17 सितंबर को एक गाड़ी में आए कुछ लोगों को यहां ठहराया था। भिवाड़ी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 21 सितंबर को 29 लाख रुपए की लूट हुई थी, उसका हमने 16 दिन के भीतर खुलासा किया है। 6 अभियुक्त हमने भी गिरफ्तार कर लिया है। 7 अभियुक्त भी हमारी हिरासत में हैं, जो जहरी इलाज है हॉस्पिटल में है, और पूरी गैंग का हमने पर्दाफाश कर दिया है। अन्य सहयोगी अपराधियों को भी चिन्हित किया है और उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे हमारे प्रयास चल रहे हैं। ये जो गैंग है, ये बड़ी शातिर गैंग है और ख़ास तौर पर NCR में लूटपाट, राजनी और धमकी दे के फिरौती लेना, इस तरह के अपराध करने की आदी रही है। इसमें सर क्या बरामदगी हुई है? इसमें 2 गाड़ियां बरामद की हैं, 2 हथियार बरामद किए हैं और अपने जो लूट राशि है वो उसको बरामद करने के लिए भी हम इन अभियुक्तों को माननीय अदालत में पेश करके रिमांड लेंगे।